दुर्ग जिले में महादेव बुक ऑनलाइन सट्टा कारोबारियों पर पुलिस ने फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस ने इस धंधे से जुड़े संचालन समेत 7 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कल जारी करने एआईबी को पत्र भेजा है। एएसपी का कहना है कि मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। कुछ दिनों पहले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि दुर्ग एसपी संजय ध्रुव ने बताया कि दुबई से संचालित महादेव बुक चलाने वाले फरार आरोपी सौरभ चंद्राकर सहित 5 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है। मोहन नगर छावनी जामुल थाना में दर्ज मामले की जांच जारी है। इन आरोपियों के खिलाफ एक बार फिर से लुकआउट सर्कल जारी करने आईबी को पत्र भेजा गया है। इसके पहले भी आईबी को पत्र लिखा गया था, लेकिन आदेश जारी नहीं हो सका। यह कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन सटोरियों के रौब और उत्वा को देखकर कई युवा इसी में शामिल होना चाहते हैं। 10 से 15 लाख रुपए में आईडी बेची जा रही है। दूर पुलिस ने जो ऑनलाइन सट्टा गेम है महादेव आईडी, उसके जो संचालक हैं और जो उसको चला रहे हैं उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है। और टोटल 5 अपराध हमारे यहाँ पंजीबद्ध किए गए हैं, मोहन नगर थाने में, छावनी में, सुपेला में, जामुल में। और इस मामले में कुछ लोग की गिरफ्तारी की जा चुकी है और जो आउट ऑफ स्टेशन है, यहाँ से बाहर है, अब्रॉड में है और संचालक भी हैं, उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर के लिए आईबी को पत्राचार किया गया था।